Pastirani Chaye. कलियों का चमन जब बनता है से लेकर क्या गजब करते हो जी से लेकर कोई भी गाना ले लो सिंपल लफ्जों में ये विस्फोट थी हैं और रहेंगी। क्या मैं आपकी आंखों में देखकर गा सकता हूँ? अरुणा जी, जी अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दो साजना। रहने दो अब क्या रहने दे, वक्त गुजर गया। जब उस वक्त तुम आते तो कुछ हो जाता जिंदगी में। अब आए हैं। Oh my God! Why this nainsafi? मेरे इस साइड है वो जिन्होंने Believe it or not, 700 से ज्यादा गानों में डांस किया है। Oh my gosh! पिया तू अब तो आ जा, महबूबा महबूबा, आओ ना गले लगाओ ना, जैसे गानों से इन्होंने जो आग लगाई थी वो आज भी नहीं बुझी है। एक बार अरुणा जी और हेलन जी के लिए हाथ टूटने तक तालियां। Oh my God, अब कितने excited हैं। Superstar singers, yes. So talented. At the end of the day, you won't know who is the best. All of you are very good. Wow. Very nice. Very nice. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, क्योंकि अब I'm sure कि मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा नहीं होगा। वो इसलिए कि हर सैटरडे संडे हमारा झगड़ा होता है। वो देखना चाहते हैं स्पोर्ट्स और मैं देखना चाहती हूँ मेरे प्यारे बच्चों को। आपकी चॉइस बेटर है। बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ पर तो दो टाइम मशीन हमारे सामने खड़े हैं। वो टाइम मशीन जो और भी ज्यादा जवान और भी ज्यादा एनर्जी के साथ आज ये हिस्टोरिक एपिसोड हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। इट्स गोना बी हिस्टोरिक। जय माता दी, लेट्स रॉक। My dearest Saili Kamble Patil, इस साइली के सोल्जर से कौन आ रहा है? आदि भैया, अब मेरी टीम से वो आ रही है जो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, हमारी समायरा महाजन। समायरा आ गई।
समाइजा, आपकी आवाज बहुत ही सुरीली है। मुझे याद आ रहा है अभी जब भी मैंने ये डांस किया है, इतने जंप्स लेने पड़े मुझे, इतना रिदम था कि पैर जमीन पे नहीं रह सकते थे, और आपने आसमान पे, मतलब आपकी आवाज आसमान से आई। बहुत रियली गॉड ब्लेस यू। समारा बहुत अच्छा गाती हो तुम, इतना प्यारा गाती हो कि कुछ समझ में नहीं आता, मैं मेरे पास शब्द ही नहीं रहते तुम्हारे लिए। और तुम क्या करती हो मालूम, जैसे मिर्ची और मसाला लगाती हो उस पे गाने पे, तुम्हें शायद एहसास नहीं इस बात का, जब भी गाती हो तो वो एक्सप्रेशन देती हो, एक थोड़ी सी नाक चढ़ा लेती हो, मैं गिर जाती हूँ। फर्स्ट गाना जो उसने गाया है, अगर आप देखें तो ये 10 साल की है, ये मुर्की गाना इतना ये गाना इतना मुश्किल है, कोई भी फिसल जाए। और समायरा ने ये बात बता दी, मैं गाना गाऊंगी तो वो 100% सच्चा और पक्का ही गाऊंगी। Yes. क्या बात है, गॉड ब्लेस। समायरा के लिए दुनिया हिला दी। अरुणा मैम, मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। अरे बाप रे, डरा मत ना। पूछो। मुझे ना मेरे पापा ने बताया कि जब आप 9 इयर्स के थे, आपने तभी से एक्टिंग शुरू कर दिया था। बट फॉर दैट आई थैंक माई फैमिली, बिकॉज मेरे पे इतनी लोड थी फैमिली की, मैं अकेली थी ब्रेड अर्नर, तो मुझे करना ही पड़ा था। अगर नहीं करना पड़ता तो मैं भी उस जमाने की जो औरतें होती थी, शादी कर लो, खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, वही चलते रहता। आज जिंदगी में 2 लोग भी अगर मुझे जानते हैं तो उसके लिए आई थैंक माई फैमिली। थैंक यू साहिली, थैंक यू समायरा। दानिश, आपकी टीम से कौन आ रहा है? दानिश के दबंग से आ रही है आर्यनंदा बाबू। अरुणा जी, ये जो उसने पहला गाना गाया दिलबर, हाँ जी, वो कारवां फिल्म का गाना था। हाँ। कुछ आपको वाकया याद हो, कोई किस्सा, कोई खास बात?
मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि जेन्युइनली मुझे डांस नहीं आता था. मैं तो जाके नासिर साहब को बोलने वाली थी, नासिर साहब मुझे डांस वांस नहीं आता. उन्होंने बोला तू चुप कर, तू बोल, मुझे सब आता है, तू चुपचाप जा और हाँ करके पिक्चर साइन कर दे. और मैंने कर लिया. मैं अभी जब गाने का टाइम आया तो भाई मद्रास में शूटिंग कर रहे थे सुरेश भट्ट जी, तो अब जब आए सेट पर तो मैं तो सुरेश जी आपने बोला था ना मेरे को आप रिहर्सल कराएंगे, आज अपन शूट नहीं करेंगे गाना, पर कौन सुनता है. But Aruna, you did that song fantastic. Beautiful. Thank you. That's the expression. Expression का ही गाना था. एक वही चीज आती थी मुझे जो थोड़ा बहुत जिसमें मैं खप जाती थी कि डांस मैं बहुत अच्छा नहीं करती थी लेकिन यहाँ से बचा लेती थी. ऐसे समझा समझा के उन्होंने मुझे डांसर बनाया. थैंक्स टू सुरेश भट्ट जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है. एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी अरुणा जी, अगर आप पूरी कर सकें तो हम आपका कोई भी एक गाना बजाएंगे और आप बैठे बैठे अगर अपने चेहरे से थोड़ी सी डांसिंग और थोड़े से एक्सप्रेशन हमें दिखा दें तो हम पागल हो जाएंगे. अरुणा जी प्लीज डू दिस फॉर अस. गॉड अरुणा जी एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आज भी वही खूबसूरती, वही ग्रेस, इनक्रेडिबल. थैंक यू सो मच अरुणा जी. थैंक यू आर्यनंदा, थैंक यू गाइस, थैंक यू.
क्या बात है, व्हाट एन आइकॉनिक सॉन्ग अरुणा जी, वेरी वेरी मच। और क्या बच्चों ने नखरे दिखाए। रोहन तुम मुझे किशोरदा की याद दिलाते हो बेटा, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। एंड प्रत्युष आप सबको मिल मिला के सबका भोजन बनाते हो, वेरी गुड। थैंक यू मैम। क्या केमिस्ट्री थी तुम दोनों में, तुम लोगों ने कमी नहीं महसूस होने दी कि भाई एक हीरो और हीरोइन का ये गाना है। ये गाना तुमने अपना बनाकर इस तरह से परफॉर्म किया कि ये गाना हमेशा के लिए अब प्रत्युष और रोहन का गाना बन चुका है। बिल्कुल, क्या बात है, दुनिया बिल्कुल हिला दी। रोहन आ रहा हूँ सर। पिया तू आदि भैया, इसने इतनी बार मुझे लड़की बनाया, इतनी बार लड़की बनाया, इसलिए मैंने आज इसको चैलेंज दिया कि ये लड़की बनकर बेली डांस करेगा। पिया तू अब तो आ जा इस गाने में, हो जाए हो जा। पिया तू अरे क्या बात है प्रत्युष। मैं हेलन मैम से पूछना चाहूंगा, हेलन मैम अगर 10 मार्क्स में से इसको मार्क्स देने हो तो कितने मार्क्स देंगे आप? 100/100। तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, बेबी डॉल साइशा गुप्ता। अरे साइशा है कहाँ यार, हमें नजर ही नहीं आ रही। मैं साइशा को ढूंढ के लाऊं? चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर मैन।
She's a little Barbie doll. आपने अभी जो गाना गाए, मैं भी मतलब इतने साल पीछे गए और मैं सोच रही थी कि मैं भी इससे अच्छा नहीं कर सकती थी जो जैसा आपने गाया. गीता जी ने गाना गाए मेरे लिए. अगर आप उस टाइम थे तो आप मेरे लिए गाते थे. सबसे पहले ये मैंने लाए, इसमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए. देखो आपका नाम है इसमें. क्या बात है साईशा, ये आपका नाम है. जालिमा कमाल. अभी दूसरे जन्म में मैं ऐसे ही करूंगी. बट मैं नाराज हूँ. नो अरे अरुणा नहीं बेटा, ये तो चीटिंग हो गई ना. घर में दो गेस्ट आए, तुमने उनको सिखाया और मुझे नहीं सिखाया. अरे पर मैम, मैं आपको सिखाना नहीं चाहती, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ. चोर कोतवाल पे पड़ गया. प्लीज आइए अरुणा जी के लिए तालियां. तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, मोहम्मद फैज. बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए. जरा पास आओ तो चैन आ जाए. बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन. पास आओ तो चैन आ जाए. जरा पास आओ तो चैन आ जाए. बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो,
पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। उन्होंने एक और भयानक खुलासे को टेप किया है, क्या आप सब देखना चाहेंगे? Yes. एक और खुलासा, ये देखिए। स्वागत है आपको सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सुपर फैंटास्टिक अच्छा गा रहा है ना वो वाला जो लाइन था, बेटा तुमने बेमिसाल गाया है और लुफ्त अंदोज परफॉर्मेंस। अरे जल्दी करो जल्दी करो, हमें शूट जल्दी खत्म करना है, इतनी परफॉर्मेंसेस बची हुई हैं। एचआर मेरा बेटा तुम्हारे सोरों की शूटिंग आज बोल रही थी, इसलिए तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे के रहूंगा। माइंड ब्लोइंग। हां गौर ये छड़ी आपके लिए है। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? कंफ्यूज मत करो जादू भैया। छड़ी रे छड़ी, छड़ी रे छड़ी, किसी को पड़ी गले में पड़ी। मैं शायद तू नहीं। अब बात है। मैं शायद तू नहीं मगर हसी जब से देखा
मैंने तुझको मुझको शायरी tell the children, be good, but be naughty. And it's good that you're naughty, because you're good, you're a good boy too. And your singing is out of this world. Thank you. Rituraj ka naam hamare ghar mein shaitan bachcha hai. Matlab kahin hum break mein jate hai na kitchen mein idhar udhar, and he comes. Jaldi aao, shaitan bachcha aa raha hai. Really, wow. शैतान बच्चा है पर बहुत प्यारा बच्चा है. अरुणा जी. हाँ जी. बॉबी फिल्म में आपने ऋषि कपूर जी के साथ द लिविंग लेजेंड के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था मैम? इट वॉज अ प्लेजर टू वर्क विद चिंटू जी. चिंटू जी अ वेरी नाइस पर्सन, अ वेरी गुड सोल. वी स्टिल मिस हिम. His soul rest in peace. That's all. That's what I can tell about him. Thank you, ma'am. तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को. पूरे देश में गूंज रही है जिसके नाम की ध्वनि, माता पिता का राजा बेटा मणि. Okay.
अब आ रहे हैं वो जिनके अंदर है प्रभु का वास, प्रभु प्रांजल विश्वास। प्रांजल, आपको आरती बर्मंदा को और आनंद बख्शी जी को भी सलाम करना चाहिए। यू रियली सांग इट्स विथ सो मच ऑफ फीलिंग। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। गॉड ब्लेस यू। प्रांजल, मैंने आपको हमेशा सुना है बेटा, आप बहुत अच्छा गाते हो और खासकर जो भगवान के और इस तरह के गाने होते, ऐसे खो के गाते हो कि आपके छोटे छोटे एक्सप्रेशन भी हमें दिखाई देते हैं। ऑल द बेस्ट की बेटा। थैंक यू। हेलेन जी, 100 से ज्यादा फिल्मों में आप जब भी विलेन के अड्डे से ही विलेन के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने जाती थी, विलेन आपको गोली मार देता था। तो जब आपको एक फिल्म में पता चल गया था कि ऐसा करने से विलेन गोली मार देता है, तो आप अगली फिल्म में विलेन के अड्डे से दूर जाकर पुलिस को फोन क्यों नहीं करती थी हेलेन जी? कितना बुरा लगता था
I wanted you to live till the end of the film. What do I say to this crazy guy? ये तो पापी पेट का सवाल है भैया. 15 से हमें शूट करवा लो. काम करने जाते थे जो हमारा डायरेक्टर चाहता था और जो प्रोड्यूसर चाहता था, हमें उसी किस्म के रोल करने पड़ते थे. अभी भी अगर आप बोले तो हम लोग अब भी गोली खाने को तैयार हैं. ओह माय गॉड, आपको भी गोली मार सकती हूँ मैं. आपको भी मार सकती हूँ. एलएल जी, आप तो आंखियों से गोली मार ही रही हैं. प्यार की गोलियां पड़ रही हैं मुझे. लव यू हेलेन जी. सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. बोलिए बोलिए. मैम, आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप दोनों यहाँ पर आए, तो हम पांचों चाहते हैं कि आपके लिए कुछ हम भी सुनाएं. लव टू. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी मैम. थैंक यू सो मच मैम. अमेजिंग. चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी तूने कदर ना जानी रामा. चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी तूने कदर ना जानी रामा. हर रामा, हर रामा, हर रामा, हर रामा. Oh.
जोरदार तालियां फॉर अरुणा रानी जी एंड हेलेन जी। इस हफ्ते एक तारा और टूटा, श्री भूपेंद्र सिंह जी। आज उनके चले जाने के बाद बेहद भारी मन के साथ पूरा सुपरस्टार सिंगर परिवार उन्हें दे रहा है उन पर गर्व के साथ ये श्रद्धांजलि। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम वाचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहे के रात दिन, दिल ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दो पहर में, बताइए कौन बनेगा इस बार टीम ऑफ द वीक। बेस्ट टीम है डेफिनेटली दानिश के सबसे अच्छे दोस्त सलमान अली की। अरे दानिश खड़ा। जजेस कौन है वो टॉप फाइव कंटेस्टेंट्स जिनको मिलेंगे सुपर मेडल्स? वो पांच नाम जिनको इस हफ्ते सुपर मेडल्स मिलेंगे उनके नाम हैं प्रांजल, दूसरा नाम है आर्य नंदा बाबू, तीसरा नाम है मनी, चौथा नाम है समायरा, पांचवा नाम है रोहनदा। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर जजेस अब हमें बताएं कि बॉटम थ्री कंटेस्टेंट्स कौन है। आप सबको एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ, ये जो हफ्ता हमारा हुआ है वो सुपर संगम का हफ्ता हुआ है और इस हफ्ते आप सबको एक बहुत बड़ी खुशी दी जाती है, वो ये है कि इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड, नो एलिमिनेशंस बच्चों, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन पिछले हफ्ते के स्कोर्स और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर अगले हफ्ते एलिमिनेशन जरूर होगा और एक बच्चा रिविजन के लिए घर चला जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।